हाय फ्रेंड, मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ डिलीशियस किचन बाय सुरभि में। मेरी कोशिश है आपको बहुत बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बनाने की। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो मटर, आलू, गोभी, बहुत बढ़िया बढ़िया सब्जियाँ आ रही हैं फ्रेश फ्रेश। तो आज हम कुछ बढ़िया सा धमाल करते हैं और कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो चलिए फिर बनाते हैं। सो फ्रेंड, आप देख रहे हैं ये पास्ता है, कच्चा है, इसको मैं बॉयल करने जा रही हूँ। पानी में बॉयल आ गया है और मैं ये करीब डेढ़ कटोरी पास्ता है इसको मैंने पानी में डाल दिया है, गर्म पानी में जिसमें खदक आ रही है। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें दो चम्मच के करीब डाल रही हूँ तेल। तेल डालने से ये होगा फ्रेंड, ये आपस में चिपकेंगे नहीं और बढ़िया से ये पक जाएंगे। तो हमें इन्हें वेट करना है 2 से 3 मिनट का और हमें इनको 50% पकाना है, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। व्हाइट सॉस बनाने के लिए हमें बटर और मैदा की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहले मैंने ले लिया इसमें बटर, आधा कटोरी मैदा है और आधा कटोरी ही मैंने इसमें डाल दिया था अमूल बटर। अब इसको हमको बिल्कुल धीमी फ्लेम पे, इसमें कलर नहीं आए और इसका कच्चापन दूर हो जाए, इस तरीके से भूनना है। तो ये बहुत पेशेंस के साथ में भुनेगा, तो आप इसका ध्यान रखें। अगर आपको इसमें बटर की जरूरत पड़ती है तो आप इसमें बटर और डाल दें। आप देख सकते हैं कि इसका कलर बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बहुत धीमी आंच पर मैंने इसको चलाया है। बाद में मुझे थोड़ी सी जरूरत पड़ी थी तो मैंने और इसमें 1 टेबल स्पून बटर मिलाया और ये इसको मैंने अच्छे से जो इसका कच्चापन था वो निकाल दिया है। तो फ्रेंड, अब हम इसमें डालेंगे यही कटोरी की मात्रा से 6 कटोरी इसमें डालेंगे दूध। तो आप धीरे धीरे से डालें और याद रहे कि जो आप दूध लेने वाले हैं ना, वो दूध गर्म होना चाहिए। वो दूध गर्म रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे से इसे चलाते रहें और दूध डालते रहें, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सॉस है ना उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे और ये सॉस को हम बना के आराम से अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। कभी भी हम इसमें व्हाइट ग्रेवी में पनीर बना सकते हैं, पास्ता बना सकते हैं, नूडल बना सकते हैं, जो आपको बनाना है आप वो आराम से इसमें बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें दूध और डालेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद ये एकदम गाढ़ा हो जाएगा। तो माप बिल्कुल परफेक्ट है, आधी कटोरी अगर हमने मैदा ली है तो उसी कटोरी के हिसाब से हमें 6 कटोरी दूध लेना है। माप का आप जरूर ध्यान रखें और जब इसमें बॉयल आ जाएगा, आप देखें बहुत एकदम चिकनी हो गई है, कोई लम्स नहीं है इसमें, तो सिर्फ हम इसमें डालेंगे नमक। और जब हम कोई भी चीज कुक करते हैं उस समय फिर हम बाकी के सारे मसाले डालेंगे। अभी इसमें हम बहुत थोड़ा सा नमक डालेंगे, बाकी कुछ भी नहीं डालेंगे। तो ये सॉस को फिर मैं इस कंटेनर में भर के रख दूंगी, जो महीना 15 दिन कुछ नहीं बिगड़ेगा इसका, हम जल्दी से फटाफट कुछ भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड, ये देखें, ये हमारी व्हाइट सॉस तैयार हो गई है और अब ये ठंडे होने के बाद हम इसको स्टोर कर देंगे। हम करते हैं पास्ता की तैयारी। जो हमने सब्जियां ली हैं, आप देख सकते हैं, जो आपके पास घर में सब्जियां हैं आप वो ले सकते हैं। जैसे मैंने इसमें ले लिया है मशरूम, टमाटर, शिमला मिर्ची, लहसुन, प्याज, बेबी कॉर्न, जो आपके पास अवेलेबल सब्जी है आप वो सब्जी ले सकते हैं। ऐसा कोई फास्ट एंड रूल नहीं है कि हमें यही चाहिए। आप अचंभित होंगे, मैं पालक भी डाल रही हूँ, ये देखें पालक भी डालूंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये पैन हमारा हो गया है गर्म, तो इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा बटर, बहुत थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे बटर। और ये मैंने ऑनियन काट ली है, 1 ऑनियन काटी है और इसको हम कर लेंगे ब्राउन। जब ये थोड़ी भुनने लगेगी उसके बाद में इसमें डाल दूंगी लहसुन, 1 चम्मच लहसुन है ये बारीक कटा हुआ, वो लहसुन में इसमें डाल देती हूँ बस। तो ऐसे ही हमें इसको अलट पलट करना है धीमी आंच पर। ये देखें, ये 2 बड़े चमचे हम इसमें डाल देंगे व्हाइट सॉस के और इसको हम चला देंगे। ये देखें इस तरीके से ये सॉस हमारी बहुत गाढ़ी हो रही है, तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूंगी दूध। तो आप ये देखें, ये आधा कटोरी में इसमें डाल रही हूँ दूध।
क्योंकि हमें बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए सॉस, थोड़ा सा दूध हमें और लगेगा, हल्का सा 2 टेबल स्पून। ये देखें, ये थोड़ा सा मिक्सअप डाल रही हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चिली फ्लेक्स। नमक आपको याद होगा हमने पहले ही इसमें डाल दिया था वाइट सॉस में। तो ये हमारी सॉस हो गई है तैयार। ये थोड़ा सा दूध और हम इसमें डाल देंगे। आप एक अंदाज कर लें, बहुत ज़्यादा थिक सॉस नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ये बेक भी होगी और कुछ हमारे जो पास्ता है वो भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये देखें इस तरीके का, ये देखिए। तो अब जो हमने ये पास्ता बॉईल किए थे, ये पास्ता मैं इसमें डाल दूंगी और गैस को कर देंगे हम बंद और इन्हें अच्छे से बहुत धीमे हाथ से इसमें चला देंगे। ये देखिए आप, बहुत धीरे हाथ से हमें इसको चलाना है, जिससे हमारे जो पास्ता है ना वो टूट ना जाए। ये देखें, अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 कटोरी क्रीम। ये देखिए, ये मैंने इसमें डाल दी है 1/2 कटोरी क्रीम। क्रीम आप हमेशा गैस बंद करने के बाद ही डालें, जल्दी गैस पर क्रीम नहीं डालें। तो इस तरीके से ये हमारे पास्ता हो गए हैं। अब हम इसका करेंगे डेकोरेशन। तो गाइस आप देखेंगे पास्ता को मैं इसमें रख रही हूँ। ये पास्ता हमने इसे रख दिए इसके ऊपर। अब हम इसकी लेयर लगा देंगे, थोड़े थोड़े कहीं कहीं हम साइड में डाल देंगे कॉर्न। जो ये रंग बिरंगे हैं बहुत अच्छे लगते हैं। ये थोड़ा मैं मशरूम से कर रही हूँ डेकोरेशन। ये डाल रही हूँ मैं मशरूम। कहीं पर डाल देंगे हम अपनी मिर्ची, ये है शिमला मिर्ची, ये आप देख सकते हैं। ये जो लाल पीला सब जो डेकोरेशन है बहुत अच्छा लगता है। ये मैं डाल रही हूँ टमाटर। जो आपके पास सब्जी अवेलेबल है आप वही डालें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी पालक। ये देखें, ये साइड में मैं इसमें रख रही हूँ पालक, जैसे कि हम सिजलर में रखते हैं ना, उसी तरीके से मैं इसमें रख रही हूँ थोड़ी सी पालक। अब इसके ऊपर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है हमारा चीज। ये देखें आप, तो कम से कम हमें 1 कटोरी लगेगी चीज। तो इसको हमें करना है चीज से कवर, एकदम अच्छे से हम इसे कवर कर देंगे चीज से। इसे आप डबल बॉईल करके भी मेल्ट कर सकते हैं चीज को, अगर आपके पास में माइक्रो ओवन नहीं है तो, और नहीं तो इसको माइक्रोवेव कर देंगे। पास्ता में जो मजा है वो चीज का ही है। तो आप कई जगह पर अगर चीज अवेलेबल नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं, घर की मलाई डाल के इसको कवर कर ले और फिर उसके बाद इसे आप कढ़ाई के ऊपर या तवे के ऊपर स्टैंड रख के और इसे पका लें ढक के। तो बेसिकली हमारी चीज को मेल्ट होना चाहिए। तो बस ये रेडी है, ऊपर ये लगा देती हूँ मैं मिर्ची और अब इसे हम कर लेते हैं बेक। सो फ्रेंड आप देखें, ये मैंने रख दिया है माइक्रो ओवन में। ये माइक्रो ओवन में मैंने ग्रिल कर लिया है इसको 7 मिनट के लिए। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ पास्ता को। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास्ते का हाल है और बहुत ही बढ़िया पिंक पिंक बन के तैयार हो गया है। आप देखें फ्रेंड, ये पास्ता को मैं अच्छे से निकाल रही हूँ और ये बहुत ही शानदार जानदार बना है। ये देखें, इसमें पालक वेजिटेबल सब बहुत अच्छी है और ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। गर्मा गर्म घर में आप बनाइए। थैंक यू।